लास्ट लेक्चर में हम लोग बट वेल्डिंग पढ़ रहे थे, उस बट वेल्डिंग को आगे लेकर जाऊंगा इस लेक्चर में, और इस लेक्चर में बट वेल्डिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर हम लास्ट टाइम बात करें बट वेल्डिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बट वेल्डिंग में हम लोग बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ बट वेल्ड। जिस तरीके से हमने देखा कि भाई पैरेंट मेटल क्या होता है, वेल्ड जोन क्या होता है, तो हमने सारे बट वेल्ड के फीचर्स को पढ़ा था। अब बात होती है फीचर्स के बाद के टॉपिक की। ये सब फीचर्स हमने पढ़ लिए थे, ठीक है जी, पढ़ लिया था हम लोगों ने, है ना, ठीक है। अगर हम अगली बार डिस्कस करें आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मारुति स्विफ्ट में और वरना में क्या डिफरेंस है, अगर हम ये दावा डिस्कस करें कि भाई मारुति स्विफ्ट में और हुंडई वरना में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आप डिफरेंस क्या बताओगे, सर वरना का जो इंजन है वो 1600 सीसी है और सर स्विफ्ट का जो इंजन है वो 1200 या 1300 सीसी है, मतलब स्विफ्ट का इंजन 1200 या 1300 सीसी है और हुंडई वरना का, हुंडई वरना कार होती है, मारुति स्विफ्ट भी कार होती है, पता ही होगा, ये दोनों कॉमन कार लिए मैंने, वरना की बात करें बहुत कॉमन है, मारुति स्विफ्ट डिजायर की बात करें, रेड स्विफ्ट की बात करें, तो वो बहुत कॉमन गाड़ी है, दोनों बहुत फेमस गाड़ियां हैं, तो सबको पता होता है, गर्ल्स हो बॉयज हो सबको पता होता है वरना क्या है स्विफ्ट क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है, तो आप सबसे मेजर डिफरेंस क्या बताओगे, सर जो वरना है वो 1600 सीसी है और मारुति स्विफ्ट से 1200 या 1300 सीसी है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मारुति स्विफ्ट का क्या है, सीसी से क्या होता है, जितना ज्यादा सीसी होता है उसमें उतनी ज्यादा पावर होती है, उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होती है, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करी, तो मैंने सबसे पहला बात डिस्कस करी इंजन की, मैंने सबसे पहले जो आपसे बात करी डिस्कस वो किसकी बात करी, इंजन की, बाकी और भी फीचर्स होते हैं, वरना सिडान गाड़ी होती है, सिडान मतलब लंबी जो होती है, स्विफ्ट सिडान भी होती है, हैचबैक भी होती है, मतलब पीछे से डिक्की गायब होती है, पिचकी भी होती है ना, तो मैं बहुत तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस ला सकता हूं। अगर हम कोई भी बात करते हैं एप्पल के फोन की, तो एप्पल के फोन में सबसे पहला फीचर क्या आता है, उसका कैमरा बहुत अच्छा होता है ना। तो हम बात करते हैं कि अगर मैं किसी भी चीज को डिफाइन करता हूं, तो मुझे कुछ उसके ऐसी टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा ताकि मैं उस डिवाइस को या उस कार को उसको डिस्कस कर सकूं, उसको डिस्क्राइब कर सकूं। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ बट वेल्ड की, क्या मतलब है, जिस तरीके से मैं इनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बता रहा था, लाइक मैं अभी स्विफ्ट और वरना को कंपेयर कर रहा था, मैं आईफोन और सैमसंग को कंपेयर कर सकता हूं, भाई आईफोन में क्या है, सैमसंग में क्या है, है ना, दोनों कंपटीटर है आईफोन और सैमसंग, अच्छे है दोनों मोबाइल, तो बाकी दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कुछ फीचर्स है, लोग बोलते हैं एप्पल हैंग नहीं होता, सैमसंग हैंग होता है ना, मुझे नहीं लगता सैमसंग हैंग होता है, क्योंकि मैं तो खुद सैमसंग लवर हूँ और सैमसंग का मेरा मोबाइल आज तक हैंग हुआ नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके से इन दोनों के डिफरेंसेस आपने बताए, आपने कुछ फीचर्स इनके बताए और उनसे इनको कंपेयर करा, अगर आज की तारीख में मैं आपसे पूछता हूं कि रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन करोगे, अगर मैं आपसे पूछता हूं रेक्टेंगल, अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल, हम बात करते हैं स्क्वायर की, मेरी बात धीरे धीरे समझना चालू करना, तभी आगे चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं आपसे बात डिस्कस करता हूं रेक्टेंगल की और स्क्वायर की, देखो प्यार समझना तभी मजा आएगा। तो मैं बोलूं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बोलोगे सर जो भी इसका एक्स है उसको वाई से मल्टीप्लाई कर दो, जो विड्थ है जो डेप्थ है रेक्टेंगल की। अगर मैं आपसे पूछूं, आप सिंपल सी आप बात देख लो, मैं एक चीज में घुमा दूंगा, मैं एक चीज में पूरा टॉपिक घुमा दूंगा, पूरा का पूरा टॉपिक घुमा दूंगा, एक बार में एकदम से टॉपिक पा जाऊंगा। अगर मैं सिंपल से आपसे पूछूं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, सर रेक्टेंगल का एरिया एक्स इंटू वाई। अब बात करते हैं स्क्वायर की, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो स्क्वायर की तो दोनों डायमेंशन सेम होती है एक्स एक्स, तो अगर मैं पूछूं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो आप बोलोगे सर सॉरी स्क्वायर का एरिया क्या है, देखो रेक्टेंगल का एरिया तो एक्स इंटू वाई है और स्क्वायर का जो एरिया कितना है एक्स इंटू एक्स। अब आप बोलोगे अब देखो धीरे धीरे मैं किस पर आ गया, धीरे धीरे मैं आता जा रहा हूं, अब ध्यान से देखना, आप बोलोगे सर आपने एरिया क्यों लिया, एरिया क्यों लिया, अब मैं देखो धीरे धीरे आ रहा हूं, अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया डिफाइन करना है तो मुझे उसको x into y करना पड़ेगा, अगर मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए तो मुझे x into x करना पड़ेगा। आपसे सबसे पहले बात करता हूं एरिया की,
भैया सिंपल सी बात है, अगर हम सबसे पहले स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। मेरी बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, तबीयत मेरी अभी खराब है, देखते हैं कितना लंबा लेक्चर आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो जितनी भी डिजाइनिंग है वो चाहे आरसीसी हो, चाहे हाईवे हो, चाहे स्टील हो, सब में जो डिजाइनिंग होती है वो इस बेस पे होती है कि मटेरियल के अंदर कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अभी मैं स्ट्रेस को एलोबरेट नहीं कर रहा, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस होते हैं। आप बोलोगे आपने तो मैंने स्ट्रेंथ मटेरियल में आपको दुनिया भर के स्ट्रेस पढ़ा रखे, तो मेरा वो टॉपिक नहीं है। मेरा सिंपल टॉपिक ये कि अगर मुझे किसी भी मेंबर की स्ट्रेंथ जाननी है तो मुझे उसके अंदर स्ट्रेस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी, अगर आपको किसी भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेंथ जाननी है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस ही रेजिस्टेंस होता है जो कि आउटर फोर्स को या एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करता है। और अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो धीरे धीरे, पहले मैं वर्ना से स्विफ्ट पर आया, फिर एप्पल से सैमसंग पर आया, फिर रेक्टेंगल स्क्वायर से लेकर धीरे धीरे कब मैं बटरवर्थ पर आ जाऊंगा, ध्यान से देखना। कहने का मतलब क्या है, मैं रेक्टेंगल स्क्वायर के एरिया आपको बताया और फिर एरिया से मैंने आपको बता दिया स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे अपने बट वेल्ड में जो मैंने वेल्डिंग करी है, मैंने बट वेल्ड में, देखो मेरी बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी तभी इस लेक्चर में मजा आएगा। और हाँ आपसे चीज बताता हूं, अगर वेल्डिंग से क्वेश्चन आया जो कि आता है, तो इस आज के क्वेश्चन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आज के लेक्चर से। अगर हम लोग बात डिस्कस करते हैं बट वेल्डिंग की, तो आज के लेक्चर से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, दैट मींस आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका वेल्डिंग में। इस आज के एक घंटे के लेक्चर से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस लेक्चर से, तो आपके लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी मटीरियल की, अब मान लो जो वेल्ड है वो भी तो मेटल ही होता है, अगर मुझे उस वेल्ड की स्ट्रेंथ जाननी है तो कहीं ना कहीं मुझे उसका एरिया जानना पड़ेगा, फिर बाद में देखते रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से, आपको एक बात ध्यान से देखना, जिस तरीके से हमने रेक्टेंगल का एरिया ले लिया एक्स इंटू वाई, हमने स्क्वायर का एरिया ले लिया एक्स इंटू वाई, अगर कुछ एक्स और वाई क्या है तो मतलब सर इसकी डायमेंशन है। अगर मैं बात करूंगा x और y का, तो उसके डायमेंशन है रेक्टेंगल के, स्क्वायर के x एक्सिस, ये भी इसके डायमेंशन है, जो उसके साइड की लेंथ है, विड्थ है, तो भी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको सिंपल सी बात है घुमा फिरा के मैं कह दिया है स्ट्रेस पर फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस को बता रहा हूँ कि किसी मटीरियल की अगर मुझे स्ट्रेंथ जाननी है तो मुझे उसके अंदर स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे हाईवे हो, चाहे आरसीसी हो, चाहे स्टील स्ट्रक्चर्स हो। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मटेरियल अपने अंदर कितना स्ट्रेस जनरेट कर सकता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि कुछ लोग ये मत बोला सर स्ट्रेस तो सर नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया होता है, शियर फोर्स, वो भैया मैंने सॉ में पढ़ा दिया, मैं अभी आपको जनरली बता रहा हूँ, मेरे को स्ट्रेस को डिस्कस नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है, अब आपको फाइनली एरिया से मतलब तो रहेगा, अगर मुझे स्ट्रेंथ जाननी है तो मुझे उस मेंबर की एरिया को चाहिए होगा। अब बात ही आती है धीरे धीरे करके कि जिस तरीके से स्क्वायर में आपने x इंटू एक्स कर लिया था, जिस तरीके से आपने स्क्वायर में x इंटू एक्स कर लिया था, यानी दवाई इतनी हैवी चल रही है ना, मेरे पसीना बता रहा है, आप सोचो इस टाइम पसीना आ रहा है मुझे। ठीक है, बहुत कम 6-7 दवाई रहनी पड़ जाए। जिस तरीके से रेक्टेंगल की बात करें तो x इंटू वाई उसका था डायमेंशन, दैट मीन्स आपके पास दो डायमेंशन थे, दो डायमेंशन थे। और अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो उसके पास भी आपके दो डायमेंशंस थे। तो टॉपिक ये आता है कि बट वेल्ड के क्या डायमेंशंस आपके पास होने चाहिए जिससे आप उसके अंदर एरिया कैलकुलेट कर सको, जिससे आप उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट, स्ट्रेस कितना आराम कैलकुलेट कर सको, जिससे आप उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ जनरेट हो रही है वो आप कैलकुलेट करो। तो कहने का मतलब क्या है, हमें सबसे पहले उसके डायमेंशंस पढ़ने पड़ेंगे, दैट मींस आज का जो मेरा टॉपिक है वो टेंसर टॉपिक है, और इससे पूरे लेक्चर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है जी, क्योंकि वेल्डिंग का मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले साइज, किसी भी चीज की साइज को डिफाइन कैसे करते हैं, अब ध्यान से आप देखना, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। भाई साइज क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं इस कैलकुलेटर का साइज क्या है, अगर मैं बोलूं इस कैलकुलेटर का साइज क्या है, तो आप बोलोगे सर मेरे को इसके लिए इसकी एक तो ये वाली डायमेंशन चाहिए होगी और इसकी ये वाली डायमेंशन चाहिए होगी। तो कहने का मतलब है, जिस तरीके से रेक्टेंगल की साइज के लिए मुझे दो डायमेंशन चाहिए एक्स और वाई,
उसी तरीके से बट वेल्ड की डायमेंशन के लिए मुझे क्या चाहिए, तो बट वेल्ड की डायमेंशन के लिए मुझे चाहिए थ्रोट थिकनेस। बट वेल्ड के जो एरिया डिफाइंड होता है वो किससे डिफाइंड होता है, आप पूरी है ना स्टील के लेक्चर में थ्रोट थिकनेस पढ़ लेते हो, हमें पता नहीं लगता हमने थ्रोट थिकनेस पढ़ा क्यों था, हमें पता ही नहीं लगता भैया कि हमने थ्रोट थिकनेस पढ़ा ही क्यों है। अरे भैया इसके डायमेंशन, अगर मुझे बट वेल्ड के डायमेंशन को डिफाइन करना है तो बट वेल्ड के जो डायमेंशन डिफाइन होते हैं वो डिफाइन होते हैं थ्रोट थिकनेस से। अब ये थ्रोट थिकनेस क्या बला है, दैट मीन्स फॉर डिफाइनिंग द साइज ऑफ बट वेल्ड, अब साइज को चाहिए एरिया के लिए चाहिए, एरिया को चाहिए स्ट्रेस के लिए चाहिए, स्ट्रेस को चाहिए उसकी स्ट्रेंथ के लिए चाहिए। तो अगर सिंपल सी बात करें, द साइज ऑफ ए बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द साइज ऑफ अ बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। अब ये इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती क्या है, मैं दिखा देता हूं आपको, दिखा देते हैं आपको, आ जाओ उस टॉपिक पर। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको फीचर्स ऑफ बट वेल्डिंग पढ़ाए थे, है ना, आप देख सकते हो। अगर मैं ध्यान से देखूं, अब ध्यान से देखना यार, मैं चल बहुत बिगड़ गई है, ये क्या है वेल्ड फेस है, ये क्या है भैया वेल्ड रूट है, है ना, वेल्ड फेस और वेल्ड रूट मैंने आपको बता दिया था। और ये जो एक्सेस मेटल है, ध्यान से देखना, ये तो एक्सेस मेटल है, ये क्या है, ये रीइंफोर्समेंट है, ये क्या है आपका रीइंफोर्समेंट है, ये वाला, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे तो ये भी क्या है आपका रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट मतलब हम एक्स्ट्रा एक दो दो दिन में थोड़ा जो भी फेस होता है पैरामीटर का उससे थोड़ा सा वेल्ड क्या होता है ऊपर होता है, वेल्ड क्या होता है थोड़ा सा इसके ऊपर होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, इन दोनों के बीच की देखो, अब ये क्या पेरेंट मेटल का फेस है, ये पेरेंट मेटल का फेस है, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो मैं भी टॉपिक को बहुत घुमाऊंगा, इसको बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अगर मैं बोलूं क्या है आपकी यहां पर मेंबर की सेम थिकनेस है, बोलो ना, हाँ सर सेम थिकनेस है, सेम थिकनेस। धीरे धीरे करके मैं इस टॉपिक में बहुत डीप चल जाऊंगा, क्योंकि आपकी आईएएस की बुक्स में भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो आपकी आईएएस की बुक्स में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अगर मैं इस थिकनेस की बात करूं जिसमें मैंने रीइंफोर्समेंट को काउंट नहीं करा, और अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर जो थिकनेस ऑफ मेटल है पेरेंट मेटल है वो इस, अगर मैं रीइंफोर्समेंट को आउट देखो, अगर हम बात करते हैं यहां से लेके आते हैं तो रीइंफोर्समेंट को गैप कर दो, नीचे रीइंफोर्समेंट को गैप कर दो, अभी नीचे जो रीइंफोर्समेंट होता है इसको बोला जाता है बैकिंग, अभी आपको मैं सब बताऊंगा, सीलिंग SEALING सीलिंग और बैकिंग मैं आपको बात बताऊंगा, ये अभी छोड़ो। तो अगर हम लोग बात डिस्कस करें, तो जो थिकनेस ऑफ पेरेंट मेटल है वही यहां पर थिकनेस है, और इसको बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। और जो साइज ऑफ बट वेल्ड में डिफाइन करूंगा, और जो साइज ऑफ बट वेल्ड में डिफाइन करूंगा वो इस इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से ही डिफाइन करूंगा। दैट मींस बट वेल्डिंग में जो हम साइज ऑफ बट वेल्डिंग डिफाइन करेंगे, दैट मींस अगर मैं आपसे पूछूं रेक्टेंगल में कितने पैरामीटर्स थे डिफाइन करने के लिए, अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया चाहिए तो मुझे क्या चाहिए x into y, दैट मींस मुझे दो डायमेंशंस की लेंथ, जो डायमेंशन है क्या लेंथ है क्या विड्थ है ये मेरे को डिफाइन करने के लिए चाहिए। अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मुझे x into x, अगर मुझे बट वेल्ड की लेंथ हो गया या एरिया हो गया वो अगर मुझे डिफाइन करना है तो वो मैं किससे डिफाइन करूंगा, बाय यूजिंग इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। दैट मींस इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, थ्रोट गला पतला सा लंबा सा, है ना, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आपका बट वेल्डिंग में एक ऐसा पैरामीटर है। अगर हम बात करेंगे फिलेट वेल्ड की तो उसमें होता है लेग साइज, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा लेग साइज क्या होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमारा बट वेल्डिंग में ऐसा पैरामीटर है जो कि इसके सारे डायमेंशंस को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है जी।
अगर आप देखो इधर आ जाओ इस डायग्राम में, अगर आप देखो, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो प्लेट्स है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। दिस इज पेरेंट मेटल वन, जिसको हमें ज्वाइन करना है, पेरेंट मेटल वन। दिस इज पेरेंट मेटल टू, पेरेंट मेटल टू। अब ये एक्चुअली जो थ्रोट थिकनेस होती है, ये अलग अलग केसेस में अलग होती है, ये अलग अलग थिकनेस में अलग अलग होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो हमने दो प्लेट्स, अगर आप देख सकते हो, हमारे दो प्लेट्स जो ज्वाइन करी है, दोनों की थिकनेस सेम है। अगर इसकी टी है थिकनेस, तो इसकी भी थिकनेस कितनी है टी, क्योंकि जैसे जैसे केसेस चेंज होते जाएंगे, मान लो थिकनेस अलग होगी। अभी धीरे धीरे करके मैं आगे आपको बहुत बताऊंगा। तो देखो ये वेल्ट था, ठीक है जी, ये वेल्ट है। अगर आप देख सकते हो तो दो वी है, दो वी ग्रूव दे रखे हैं आपको, दो ग्रूव के ऊपर आपने बट वेल्डिंग करी। बट वेल्डिंग में जो ऊपर वाला है ये आपका रिइंफोर्समेंट है, इसको काट दो। जो नीचे वाला आपका बैकिंग है, सीलिंग है, इसको भी काट दो। अब यहां से लेके यहां तक जो थिकनेस बनी, दैट मींस जो थिकनेस ऑफ पैरेंट मेटल है। अभी अगर मैं पूछूं आपकी यहां से लेके यहां तक की थिकनेस क्या है, अगर मैं आपको बोलूं यहां से लेके यहां तक की थिकनेस क्या है, तो बोलोगे सर जो पैरेंट मेटल की थिकनेस है। दैट मींस अगर मैं इस केस में थ्रोट थिकनेस को डिफाइन करूं, अगर मैं इस केस में थ्रोट थिकनेस को डिफाइन करूं, पहली बात तो थ्रोट थिकनेस क्या होता है, किसी किताब में नहीं लिखा। थ्रोट थिकनेस स्पेसिफाइड या डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ बट वेल्ड। दैट मींस थ्रोट थिकनेस से पढ़ोगे तभी आपको बट वेल्ड के डायमेंशंस पता लगेंगे, डायमेंशन पता लगेंगे तब एरिया पता लगेगा, एरिया पता लगेगा तब स्ट्रेस पता लगेगा, स्ट्रेस पता लगेगा तो स्ट्रेंथ पता लगेगी। तो इस केस में अगर आप देख सकते हो तो जो पेरेंट मेटल की थिकनेस है, रिइंफोर्समेंट को हम इंक्लूड करना ही नहीं है, वो ये थिकनेस ऑफ बट वेल्ड आपकी होगी। ठीक है जी, ठीक है, आते हैं इस पर, लिखना ही है साइज ऑफ बट वेल्ड, स्पेसिफिक हेडिंग डाल लेना ऊपर टॉपिक को, डायरेक्ट सा मान लेना स्पेसिफिकेशन ऑफ बट वेल्ड। स्पेसिफिकेशन मतलब उसके डायमेंशन को पढ़ेंगे। द साइज ऑफ बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, जो कि मैंने इतने घंटे चिल्ला चिल्ला के, मतलब 10 मिनट में आपको बता दिया कि थ्रोट थिकनेस का क्या रोल होता है बट वेल्डिंग में। द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन, पहली बात तो हम कंप्लीट पेनिट्रेशन अभी मैं आपको सब बताऊंगा, पार्शियल पेनिट्रेशन सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हमने इस केस की जो बात करी है, यहां पर हम बात करें तो पहली बात तो पेरेंट मेटल की थिकनेस सेम है, दूसरा ये कंप्लीट पेनिट्रेशन है, हो सकता है पार्शियल पेनिट्रेशन भी हो सकता था, पार्शियल पेनिट्रेशन भी हो सकता है। तो अभी इस केस को हम धीरे धीरे केसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, बट अगर हम इस केस की बात करते हैं तो इस केस में तो भैया जो पेरेंट मेटल है की थिकनेस भी सेम है, प्लस जो पेनिट्रेशन है वो फुल पेनिट्रेशन है, फुली पेनिट्रेटेड है। ठीक है, द इफेक्टिव टोटल थिकनेस इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल इज टेकन एज द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट। अब ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया चीज बोली। अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर, इस केस में दोनों की जो थिकनेस है वो क्या है, आपकी सेम है। मान लो आपके पास, आपको दो प्लेट्स को ज्वाइन करना है और उनमें से एक की थिकनेस कम है और एक की थिकनेस ज्यादा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फुली पेनिट्रेशन है उसके अंदर। आपको धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पानी पी दो यार, ऐसे एक मिनट करो, चल पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने दो ऐसे मेंबर को ज्वाइन करा जो कि फुली पेनिट्रेशन उसके अंदर हो रहा है ना, और उसके बाद उसमें जो थिकनेस है वो कम है, अगर इस केस की बात करते हैं तो इसमें दोनों की थिकनेस बराबर थी, बट अगर आपने दो मेंबर्स को ज्वाइन करा उसमें से एक की थिकनेस T1 है और एक की थिकनेस T2 है, ध्यान से देखना, यहां पर तो दोनों की थिकनेस इक्वल थी, जो दो थिकनेस आई वही हमने ले लिया, क्योंकि हम अगर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की बात करते हैं तो हम उसमें रीइंफोर्समेंट को काउंट या सीलिंग या बैकिंग को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास ऐसे मेंबर आ गया जिसमें एक की थिकनेस कम है और एक की थिकनेस ज्यादा है, तो हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कह लेते हैं जो पतला मेंबर है, लाइक इस केस में हम मानते हैं T1 इज लेस देन T2, तो जो पतले वाले मेंबर, जो थिनर मेंबर की थिकनेस होगी उसको हम मानेंगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, उसको हम मानेंगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। अभी मैं आपको सब बताऊंगा, टेंशन ना लो भाई, अगर समझ में आप बात में समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसको बात करता हूं,
तो इसकी थिकनेस अगर कम है T2 से, तो जो पतले वाले सेक्शन, जो सेक्शन है इसकी थिकनेस कम है, इसकी जो थिकनेस होगी इसको हम क्या मानेंगे, इफेक्टिव थ्रो थिकनेस। और इसमें आगे यहां पर ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, द इफेक्टिव थ्रो थिकनेस इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन बट व्हेन इज टेकन एज द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट। और अगर दोनों की थिकनेस इक्वल है, जो उसने लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख दूं, बता दिया मैंने, और अगर ऐसे दो पार्ट जो आपके बराबर है, तो जो दोनों की थिकनेस है वही आपकी थिकनेस ऑफ थ्रो थिकनेस बनेगी। The penetration but when is taken is the thickness of thinner part joint। कौन कौन से होते हैं भाई, डबल वी होता है ना, जैसे मान लो ये वाला केस कौन सा है, डबल वी केस है आपका, ये कोई डबल वी बन रहा है आपका, ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। That means अगर हम बात करते हैं fully penetration की, तो जो अगर बात करें जैसे डबल वी होता है वो fully penetration होता है, डबल यू भी होता है वो fully penetration valve होता है, डबल जे भी fully penetration valve होता है, डबल बेवल बट, ये सारे के सारे जो examples हैं ये कंप्लीट पेनिट्रेशन, फुली पेनिट्रेशन बट वेल्ड के एग्जांपल है। तो कहने का मतलब क्या है, बट वेल्ड में अगर फुली पेनिट्रेशन है, और फुली पेनिट्रेशन के लिए अगर हमें फुली पेनिट्रेशन वेल्ड करना है, तो हम ये सारे के सारे जो जॉइंट्स हैं, कनेक्शंस हैं, इनको हम यूज करते हैं, ठीक है जी। अब आप ध्यान से मेरी बात आगे भी सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं, अब ध्यान से सुननी पड़ेगी आपको, इधर आ जाओ, इस फोटो पे कोई फोटो ले लेते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछूं, अब ध्यान से देखना मेरी बात, मैं आपसे पूछता हूं यहां पर लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी है, आप ध्यान से देखिए, याद तक आ रही है, अगर आपसे पूछूं लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं यार मुझे थोड़ा वेल्ड का एरिया बताना, देखो आपको देखो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरी बात, ध्यान से सुनोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं यार मेरे को अगर इस वेल्ड का एरिया चाहिए, तो आप बोलोगे सर जो भी इसकी थिकनेस है और जो इसकी लेंथ है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरी बात है, आपको बहुत ध्यान सुननी पड़ेगी, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपके मन में डाउट ये आएगा कि सर ये जो हम वेल्ड की लेंथ देते हैं ये कितनी देते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि सर मान लो इसकी इफेक्टिव थ्रो थिकनेस टी आ गई और जो वेल्ड की लेंथ है वो एल आ गई, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि जो मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्डिंग हम रखते हैं वो कितना रखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो आपकी बट वेल्ड के सारे डायमेंशंस जो डिस्क्राइब होते हैं या स्पेसिफाई होते हैं वो सारे के सारे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने क्या बनता है कि ये जो लेंथ रखी जाती है ना बट वेल्ड की, ये मिनिमम 4 टाइम्स ऑफ थिकनेस रखी जाती है, मेरी बात आपको फिर ध्यान से सुननी पड़ेगी। दैट मींस ये जो लेंथ है भाई हर एक चीज का है ना, हर चीज का है, जैसे किसी भी चीज की एक मिनिमम रेट होती है ना, कि यार इससे कम में हम नहीं बेच सकते, इससे कम में कोई भी आप आइटम्स खरीदते हो तो लाइक एक होती है MRP, एक उसका मिनिमम होता है कि इतने में तो ये बिकेगा ही बिकेगा, इतने में तो आपको बेचना ही पड़ेगा। इससे जैसे आप दुकान वाले के पास जाते हो तो दुकान वाला बोला भैया मैं इससे कम में आपको नहीं बेच सकता, जैसे मान लो कोई आप कोई घड़ी लेने गए है ना, घड़ी मतलब जो रिस्ट वॉच जो होती है, तो आप अपनी बार्गेनिंग करते हो, वो बोलेगा भैया मैं इससे कम तो आपको दे ही नहीं सकता हूँ। तो कहने का मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं किसी वेल्डर से, ये भाई देख यहाँ पर बट जॉइंट दिखाया तो इसकी कितनी लेंथ की तो वेल्डिंग मारेगा, तो जो वेल्डर है वो मुझे बोलेगा कि कम से कम जो भी इसकी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है ना, मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड, अब ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड जो होती है आपकी वो होती है 4 times of throat thickness। आप इसे ज्यादा भी दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसे कम नहीं दोगे, आपको मेरी बात बहुत ध्यान सुननी पड़ेगी, आपको ज्यादा देनी है दे दो हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको ज्यादा देनी है दे दो हमें फर्क नहीं पड़ता, बट आप इससे कम नहीं दे सकते हो, सिंपल सी बात ये है। तो क्या हो गया, दुकान वाला बोलेगा भैया उसने पहले आपको 100 रुपये बोला, तो बोला भैया बार्गेनिंग आपकी जो मदर है हमारी मदर है वो तो बार्गेनिंग करने में, भैया लाइफ में सबको सीखा है बार्गेनिंग करना नहीं सीखा यार, बार्गेनिंग नहीं होती मुझसे, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं बार्गेनिंग कर लूं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप वेल्डर से पूछोगे कि यार ये जो तूने बट वेल्डिंग में लेंथ दी है ये तो कितनी देगा, तो वो बोलेगा कि सर जो भी आपकी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है कम से भी कम मुझे ये वेल्ड जो देनी है वो इतनी देनी है कि वो 4 गुना और थ्रोट थिकनेस। तो ये आपका एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इस जगह नहीं लिखा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड इज इक्वल टू
मिनिमम कितनी होती है कि 4 गुना थ्रोट थिकनेस की, जो भी थ्रोट थिकनेस है। अब थ्रोट थिकनेस कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी थिकनेस देखो, अगर दोनों पेरेंट मेटल इक्वल है, अगर दोनों पेरेंट मेटल आपके इक्वल है, अगर दोनों पेरेंट मेटल आपके इक्वल है तो दिक्कत ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, दोनों पेरेंट मेटल अगर आप इक्वल होंगे तो आप क्या करोगे, सेम थिकनेस आएगी। और कोई ऐसा कोई पतला है कोई मोटा है, बट दोनों के अंदर फुली पेनिट्रेशन हो रहा है। अभी आप बोलोगे सर फुली पेनिट्रेशन कैसे हो सकता है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। आप बोलोगे सर मानो एक पतला मेंबर है और एक मोटा मेंबर है, मान लो इसकी थिकनेस P1 है, इसकी थिकनेस T2 है, तो इनके अंदर से वेल्डिंग कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरीके से वेल्डिंग नहीं करी जाती है, वो मैं आपको सब अभी आगे बताने वाला हूँ इसी लेक्चर में, ठीक है जी। अब आगे के बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा लेक्चर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनना, क्योंकि बुक्स स्टील की अच्छी नहीं है इसलिए समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आगे का हमारा क्या है, अब ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें एक चीज लेता हूं मैं लेंथ की, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, देखो बहुत थोड़ी स्लाइड आगे पीछे है, ये आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात बात आती है, देखो अभी हमने सबसे पहले साइज ऑफ बट वेल्डिंग की बात करी, तो अगर आपको बट वेल्डिंग के साइज को डिफाइन करना है, अगर आपको बट वेल्डिंग की साइज को डिफाइन करना है, तो बट वेल्डिंग की साइज को डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास थ्रोट थिकनेस होनी चाहिए। अब अगर हम लेंथ की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। अब आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख देता हूँ, इस स्लाइड पर हम बाद में आएंगे, इस स्लाइड पर हम बाद में आएंगे, सबसे पहले मैं आपको इफेक्टिव लेंथ बताता हूँ, या फिर मैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की बात करता हूँ, चलो कोई बात नहीं। हमने 3 केसेस पढ़े, देखो सबसे पहली बात, अभी तक जो हमने दोनों केसेस पढ़े वो किसके बारे में पढ़े, फुली पेनिट्रेशन की। अब देखो 2 टाइप के पेनिट्रेशन होते हैं भाई, इस टाइप का पेनिट्रेशन है ये, है ना, ये आपने पूरा का पूरा वेल्ड कर दिया, दिस इज फुली पेनिट्रेशन, दिस इज फुली पेनिट्रेशन। अगर कुछ इस तरीके का है, मान लो ये इस तरीके का देखा आपको, ये कुछ इस तरीके का मेंबर है, तो इनके बीच में जो वेल्ड होगा वो क्या होता है आपको, पार्शियल पेनिट्रेशन। देखो ना, ये देखो यहाँ पर वेल्ड इस तरीके से होता है, तो ये है पार्शियल पेनिट्रेशन, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं बात करता हूँ, आप ध्यान से देखना, अगर हम बात करते हैं फुली पेनिट्रेशन की, ये जो स्लाइड है आपकी, ये है फुली पेनिट्रेशन की, पढ़ाते ठीक है, देखो ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, वरना स्टील गायब हो जाती है। आपको पता है सबसे ज्यादा बच्चा मुझसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, 2 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पढ़ना चाहता है, एक तो वैसे तो सारे पढ़ना चाहता है, अगर मैं उसको एक ऑप्शन दूं कि यार तुम मुझसे 2 सब्जेक्ट पढ़वाई, कौन से पढ़ेगा, तो बोलेगा सर एक तो सॉम पढ़ूंगा आपसे और एक स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ूंगा, क्योंकि सॉम भी बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, टिपिकल तो सारे ही है, बट स्टील स्ट्रक्चर्स अगर मैं आपसे बात करूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे टफ सब्जेक्ट है पूरे इंजीनियरिंग के वो 2 हैं, एक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस और दूसरा स्टील स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चरल एनालिसिस टफ है और दूसरा आपका स्टील स्ट्रक्चर्स टफ है, ये दोनों आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, थोड़ा मैं डाउन हो रहा हूँ, थोड़ा एनर्जी नहीं आ पाएगी, पर फिर भी ठीक है, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको 2 केसेस बताए, एक मेंबर ऐसा था जिनकी दोनों थिकनेस है सेम, तो इस केस में जो इनकी थिकनेस होगी वही, और पहली बात मैं बात कर रहा हूं आपसे फुली पेनिट्रेशन की, फुली पेनिट्रेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूं, फुली पेनिट्रेशन की, फुली पेनिट्रेशन में 2 केस, एक तो ये हो गया, या फिर हो सकता है कि एक की थिकनेस ज्यादा है एक की थिकनेस कम है, तो इस केस में जो थ्रोट थिकनेस आएगी वो आपकी टी आएगी, और इस केस में क्या आएगी, जो भी थिनर पार्ट है ये आपकी आ जाएगी T2। अभी फुली पेनिट्रेशन वेल्ड की बात हो रही है, अब अगर हम बात करें पार्शियल पेनिट्रेशन की, अगर मैं आपसे बात करता हूं पार्शियल पेनिट्रेशन की, अगर आप इस तरह देख सकते हो, तो पार्शियल पेनिट्रेशन में अगर आपके पास पार्श, अब देखो नेक्स्ट क्या है, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इन केस ऑफ इनकम्प्लीट, मतलब पार्शियल पेनिट्रेशन बट वेल इज टेकन एज 7/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो भाई, अगर आपकी पार्शियल पेनिट्रेशन है, जैसे मान लो हम बात करते हैं किसमें, सिंगल यू या सिंगल वी, सिंगल वी हम बना रहे हैं ना, ठीक है, अगर मान लो हम सिंगल वी बनाते हैं, जो सिंगल वी जॉइंट है उसमें पार्शियल पेनिट्रेशन होता है। देखो अगर हम बात करते हैं तो डबल वी, डबल यू, डबल जे एंड डबल बेवल बट वेल्ड जो है, इनमें आपका फुली पेनिट्रेशन वेल्ड होता है। अब मैं अगर आपसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करूं, लाइक सिंगल जे, जैसे आपका सिंगल, जैसे मान लो सिंगल जे क्या होता है, कुछ इस तरीके से एक मेंबर हो गया,
कुछ इस तरीके से होता है आपका। तो इसमें जो आपका वेंड होता है वो पार्शियल होता है, फुली पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सर पार्शियल पेनिट्रेशन, जो पार्शियल पेनिट्रेशन होता है या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है वो किन किन जॉइंट्स में होता है? सिंगल वी जॉइंट में होता है। अगर आपने ओनली सिंगल वी देकर रखा हुआ है तो आपका पार्शियल पेनिट्रेशन है, सिंगल यू देकर रखा हुआ है तो पार्शियल पेनिट्रेशन है, सिंगल जे देकर रखा है तो पार्शियल है, या सिंगल बेवल जॉइंट दे रखा है, तो दैट मीन्स ये चारों के चारों जो एग्जाम्पल्स हैं वो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। या देखो ध्यान से देखना भाई, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप के बट जॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप के बट जॉइंट्स थे जो कि हमने पढ़े, तभी तो मैं बोलता हूँ कि वेल्डिंग है ना, मतलब जो स्टील स्ट्रक्चर्स है ना वो बुक्स में अच्छा नहीं देखा, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ जितने में वेल्डिंग कंप्लीट कराऊंगा ना, इतने लोग स्टील स्ट्रक्चर ज्यादा कंप्लीट करा देते हैं, बट डिफरेंस ये है कि मेरा एक बार पढ़ के आपको याद रह जाएगा और वो 10 बार ही पढ़ोगे तो याद नहीं आएगा। जितना मैं वेल्डिंग पढ़ा रहा हूँ ना आपको, इतने में लोग अपनी स्टील स्ट्रक्चर्स के आधे लेक्चर्स गैप कर देते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स आदि पढ़ा देते हैं वो। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो आने वाले 10 साल तक आपको सब काम आएगा। आने वाले 10 ईयर्स में ना कहीं से भी क्वेश्चन पेपर आएगा सब इसमें से ही आएगा, क्योंकि मैं घुसकर इतना पढ़ाता हूँ कि कहीं से भी एग्जामिनर दे नहीं सकता है ना। अब ध्यान से देखना, तो सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल जे, सिंगल इवन, जो ये आपके पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड बट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात डिस्कस करें, ध्यान से सुनना मेरी बात है, आज मैं बट जॉइंट कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपके पास इनकम्प्लीट लाइक ये मान लो जे, सिंगल जे बट जॉइंट है आपके पास, इसमें जो वेल्ड करेंगे वो पार्शियल पेनिट्रेशन होता है, ठीक है। पार्शियल पेनिट्रेशन और मैंने फुली पेनिट्रेशन आपको पढ़ा चुका हूँ, ये मत बोला सर आपने पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर हम इसके बाद डिस्कस करें, अब देखो मान लो, अब ध्यान से आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी पार्शियल पेनिट्रेशन की, अब मान लो दोनों की थिकनेस सेम है, ध्यान से देखना, ये दोनों की थिकनेस अलग अलग है। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर दोनों की थिकनेस आपको सेम दिख रही है। अगर मैं ऐसा केस बनाऊं भाई इस तरीके से, तो यहां पर दोनों की थिकनेस T1 और यहां पर T थिकनेस कितनी आपकी T2, यहां पर दोनों थिकनेस अलग अलग बात हो रही है। और बात करते सिंगल जे जॉइंट की, तो सिंगल जे जॉइंट में तो पार्शियल पेनिट्रेशन ही होता है, ठीक है भैया, ठीक है। सिंगल जे जॉइंट का तो आपका पार्शियल पेनिट्रेशन ही होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आगे की, अगर पार्शियल पेनिट्रेशन है और आप बात होती है यहां पर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की, भैया आप क्या इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस लोगे, क्या इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस लोगे, तो भैया देखो अगर इस वाले केस की बात है तो आप कर दोगे 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर, ध्यान से देखना 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। और अगर इस तरीके से, अब इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, क्योंकि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ही तो एरिया डिफाइन होगा वेल्ड का, अगर पार्शियल पेनिट्रेशन की बात होती है, एक्चुअली इसको मत पढ़ना ये आपके बात स्ट्रेस, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा धीरे धीरे करके, अभी 7-8 आप पढ़ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। अगर इन दोनों की थिकनेस सेम है और सिंगल जे जॉइंट है तो जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आएगी वो आएगी 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर, अगर दोनों की सेम थिकनेस है। बट अगर दोनों की थिकनेस अलग अलग है, बट अगर दोनों की थिकनेस अलग अलग है तो यहां पर आएगा 5/8 थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, जो पतला है, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। और ये मैं किस केस के बारे में बात करूं, यहां पर मैं बात कर रहा था फुली, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो मैं यहां पर बात कर रहा था फुली पेनिट्रेशन वेल्ड की, फुली पेनिट्रेशन वेल्ड की। और अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं यहां की, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं पार्शियल, देखो इस तरीके से डालना, सबसे पहले आप स्पेसिफिकेशन डालना और डालना साइज ऑफ बट वेल्ड, और साइज ऑफ बट वेल्ड में आप डालना फुली पेनिट्रेशन वेल्ड, दूसरा डालना साइज ऑफ बट वेल्ड इन, देखो मैं लिख देता हूं क्या लिखोगे आप इसकी हेडिंग, साइज ऑफ बट वेल्ड इन पार्शियल पेनिट्रेशन वेल, इन केस ऑफ पार्शियल पेनिट्रेशन वेल, ठीक है जी। अब अगर हम आगे बात डिस्कस करें तो होता क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, मैं आपका बताऊं, जब ये सिस्टम, जब इसकी रिसर्च करी गई तो शुरुआत में 7/8 लिया गया कि जो भी थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है, अगर दोनों की थिकनेस सेम है तो 7/8 कर दो, जो भी की थिकनेस है उसका 7/8 कर दो, वो यहाँ की थ्रोट थिकनेस बनेगी। और अगर दोनों की थिकनेस अलग अलग है तो 7/8 कर दो, जो कि फिर धीरे देखा गया नहीं,
एक्चुअली जे जॉइंट में या जब हम पार्शियल पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रेस अच्छे से जनरेट नहीं हो पाता। तो क्या होता है, तो हमने क्या करा, जब स्ट्रेस देखो बट फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेस जनरेट, देखो फुली पेनिट्रेशन में हम नहीं करते ऐसा, वहां पर तो देखेंगे थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर क्या है, थिकनेस ऑफ है ना, या थिकनेस ऑफ दोनों की सेम, तो वही इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बन जाती है, तो उसमें एक्चुअली पूरा वेल्ड होता है, तो वहां पर स्ट्रेस अच्छे से जनरेट हो जाता है। बट अगर हम पार्शियल पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें से कुछ एक पोर्शन ऐसा होता है जो वेल्ड नहीं होता, जो वेल्ड आपका नहीं होता, लाइक है ना, अगर मैं आपसे बात करता हूँ सिंगल वी की, तो इसमें अच्छे से वेल्ड नहीं हो पाता, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो भाई डिजाइनर्स ने बोला, जिसने इसकी रिसर्च करी, तो यार जो हम 7/8 ले रहे हैं ना, इसको रिड्यूस करके, क्योंकि वहां फुली वेल्ड तो आप कर नहीं रहे हो, उसने फिर फाइनल वैल्यू दिया, बट फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेस कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड, अब ध्यान से देखना, आर रिक्वायर्ड इफेक्टिव थ्रोस थिकनेस नॉट एक्सीडिंग 5/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट। दैट मींस हमें 5/8 को, दैट मींस अगर आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास क्या आएगा, कि अगर सर वो पूछे कि आपके पास सिंगल जे या सिंगल यू है, और वो पूछे कि इनके बीच में इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर 5/8 थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट, क्योंकि वो ढंग से पेंडिशन नहीं हो पाता, तो नंबर है कि नहीं यार इस तरीके से आप करो, ठीक है, अब आप इसको लिख लो पूरा का पूरा। अगर आज का लेक्चर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी छूट जाएंगी, ठीक है जी, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी छूटने वाली है अगर आपका लेक्चर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो, आगे की सारी चीजें इनसे ही कैलकुलेट होंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो दो चीज आपको समझ में आ गई, एक हमने फुली पेनिट्रेशन वेल्ड की बात करी कि यहां पर आप थ्रोट थिकनेस क्या लोगे, और एक हमने बात करी पार्शियल पेनिट्रेशन टेस्ट की। अब आते हैं लेंथ की, जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस जगह, अगर हम डिस्कस करें कि भैया अगर मुझे एरिया चाहिए इस वेल्ड का, अगर मुझे एरिया इफेक्टिव एरिया चाहिए वेल्ड का, तो मुझे एक तो ये लेंथ चाहिए होगी और एक ये थ्रोट थिकनेस चाहिए होगी। तो थ्रोट थिकनेस तो हमने फुली पेनिट्रेशन की और पार्शियल पेनिट्रेशन की पढ़ ली है, किस तरीके से आप इसकी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है लेंथ की, तो सबसे पहला क्या है, मैंने आपको बताया कि मिनिमम कोई दुकानदार के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि भैया इससे कम में मैं आपको नहीं बोलूंगा, पढ़ता नहीं खाता, मतलब उसको फायदा नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो भी बट वेल्ड के स्पेसिफिकेशंस होते हैं या जो साइज होते हैं या जो डायमेंशंस होते हैं, वो सारा का सारा कौन डिफाइन करता है, आपका थ्रोट थिकनेस। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो जो वेल्डर होगा वो मिनिमम लेंथ कितनी देगा इनकेस ऑफ बट वेल्डिंग, तो ये रहा आपका आंसर, मिनिमम सॉरी यार जुकाम ने मेरे को परेशान कर दिया बहुत ज्यादा, ठीक है, और जुकाम तो जा भी नहीं रहा यार पता नहीं क्यों। तो अगर हम बात करते हैं फीचर्स और कंपोनेंट वेल्ड की, तो सबसे पहला जो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर हम सेकंड, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पढ़ी इन टू केसेस, फुली पेनिट्रेशन वेल्ड एंड इन पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड। अब मैं आगे की साइड जो आपके पास आ रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं आपके पास लेंथ की, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा मिनिमम, मिनिमम मेरी राइटिंग बहुत खराब आ रही है, मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड कितनी दी जाती है, कम से कम 4 गुना टाइम्स ऑफ लेंथ कितनी देंगे हम, 4 गुना टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस, मिनिमम 4 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस, इसमें शायद लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहला आपका क्वेश्चन बन जाता है कि मिनिमम से मिनिमम हम कितनी इफेक्टिव लेंथ देंगे, मिनिमम से मिनिमम हम कितनी इफेक्टिव लेंथ देंगे, 4 गुना देंगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस का। दैट मींस ये आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, यहां पर नहीं देकर रखा हुआ तो मैं आपका ये डब्बे में डाल देता हूं, और ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, इसको लगा लो 3 स्टार क्वेश्चन, कितने दिनों बाद स्टार आया ना, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो मिनिमम इतनी देनी है, अगर आपने 4 गुना से मान लो 4 टाइम से ज्यादा देनी है तो आप दे दो, कोई इशू नहीं है। लाइक अगर मैं इस केस की बात करता हूं, अगर मैं इस केस की बात आपसे कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर देखो थिकनेस तो कितनी दिख रही होगी, उससे 4 गुना से ज्यादा ही दिख रहा है ना, जैसे मान लो है ना, देखो ये थिकनेस है,
तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रहा, तो मिनिमम आपको 4 सेंटीमीटर देंगे। अगर आपको देंगे तो आप 4 सेंटीमीटर भी, 5 सेंटीमीटर भी, 5-4 से भी ज्यादा दे सकते हो, थ्रू आउट द मेंबर दे दो, जितने भी मेंबर का ऊपर का एरिया है उसमें थ्रू आउट दे दो आप, बट मिनिमम 4 गुना तो आप दोगे दोगे। ठीक है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम आगे की बात डिस्कस करते हैं तो क्या बोला आपने, मिनिमम 4 गुना देनी है, अगर आपको 4 से ज्यादा देनी है थ्रू आउट द मेंबर देनी है। लाइक मान लो मेरे को इन दो मेंबर के, मेरे को इन दो मेंबर में वेल्ड मारना है इस जगह, तो जो भी इनकी इफेक्टिव थ्रो थिकनेस है, आप जैसे मान लो ये कितना है, ये तो 8 mm दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं कैलकुलेटर की और मोबाइल की, तो कैलकुलेटर और मोबाइल मुझे 8 mm के दिख रहे हैं, 8 से 9 mm के, 8 mm है, ठीक है जी, 8 mm का दिख रहा है। तो अगर मेरे को यहाँ पर बट वेल्ड मारनी होगी तो मैं क्या करूंगा, 8 mm × 4 32 mm, दैट मीन 32 mm का वेल्ड तो मुझे मारना ही पड़ेगा। बट अब ये देखो, अगर यहाँ से हम बात करें तो ये तो कम से कम कितना, ये 13-14 सेंटीमीटर है, तो आपने थ्रू आउट दे दी मिनिमम मेरे को, दैट मीन 32 mm तो इनके बीच में देनी थी, बट मैंने इनको अच्छी खासी, दैट मीन यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को वेल्ड करूंगा, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को वेल्ड करूंगा तो ये कहीं ना कहीं 32 mm से, अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर हम बात करते हैं, चलो मान लो हम ये मानते हैं 10 सेंटीमीटर है दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, तो 32 mm देनी थी, बट मैंने यहाँ पर कितनी दे दी, मैंने 100 mm ही दे दी, तो वो चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम आपको 4 mm देनी है। हाँ, अब आपने अगर मान लो 100 mm दे दी तो आपको इफेक्टिव लेंथ 100 mm ही माननी है। अगर आपने इसको 100 mm दे दिया तो आपको जो इफेक्टिव लेंथ है, आप देखो ध्यान से, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड शैल बी टेकन एज द लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस फुल साइज वेल्ड। अगर आपने पूरा का पूरा देकर रखा हुआ है, लाइक 32 mm से भी ज्यादा दे दिया, तो जो पूरा का देकर रखा है वही आपने फुल साइज ऑफ वेल्ड देना है। बट एक्सेप्ट, अब ये जो केसेस है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, इस एक्सेप्ट के आगे मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़े छोटे छोटे लेक्चर्स मिल रहे हैं, बट ये मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय।